डुमला थाना क्षेत्र के भंडरिया भरता मार्ग में पुलिया निर्माण में लगे रोलर को खडवा नदी के पास जलाने में शामिल अभियुक्त सिलाफारी गांव के निवासी 25 वर्षीय कैलाश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। इस संबंध में शुक्रवार को एसडीपीओ मनीष कुमार लाल ने गुमला थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक अभियान गुमला के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा छापामारी के दौरान सिलाफारी निवासी कैलाश साहू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस को पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि घटना में 2-3 अन्य साथी शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्त कई कांडों से पूर्व में आरोपित है। छापामारी दल में मोहम्मद मजीद, विवेक कुमार पांडे एवं थाना रिजर्व बल के जवान शामिल थे। 3-4 की रात्रि में गुना थाना अंतर्गत भंडरिया भरदा सड़क निर्माण कार्य में लगे रोलर को खटका नदी के किनारे कुछ अपराधकर्मियों द्वारा आग लगा के आग लगाने की बात आई थी। उसमें गुमला थाना कांड संख्या 198/22 धारा 335 भादवी में कांड अंकित किया गया, जिसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें एक कैलाश साहू जो सिलाफारी का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया, जिसने इस कांड का करने अपने संलिप्तता को स्वीकार किया है और अपने अन्य साथियों को भी नाम दिया, जिस पर छापेमारी की जा रही है और उसकी जांच की जा रही है। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त कैलाश साहू पूर्व में भी आरोपित हैं। ये पहले दो रंगदारी केसेज और एक आर्म्स एक्ट में ये पहले से पूर्व से वांटेड हैं और जेल भी जा चुके हैं। 2-3 लोग शामिल हैं और इसमें तब जिसमें जांच कर रहे हैं, इस कारण तो पैसा मांगने का काम लग रहा है, ऐसा कि रंगदारी सौ रुपये मांगने के लिए घटना की गई। ये ना अपराधी, ये अपराधी घटना संगठन ना उपवाद संगठन है, ये एक अभी ये टीम उपज रहा है, फल फूल रहा है और ये शुरू में कार्रवाई की, इसे पकड़ लिया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।